देखिए ये तो सही नहीं है, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत से अपनी वाइफ को आगे ले गए थे, यहाँ तक कि शायद ज्योति मौर्या को जी को ऐसे करने से बहुत सारे पतियों ने अपनी वाइफ को पढ़ाना छोड़ दिए हैं। तो ये तो जाहिर सी बात गलत थी, उनको समझना, यहाँ तक कि वो मैरिड थी, ऐसा नहीं कि मुझे मेरा जब पति मिला तो मेरे लिए सबसे बड़ा चीज़ होगा, क्योंकि एक ही वही होता है जो बाकियों का जीवन संवारता है, क्योंकि माँ बाप तो बड़े कर देते हैं, उसके बाद एक पति ही सहारा। इसमें हमारी महिलाओं की बदनामी है, और जहाँ तक बात है, मुझे उम्मीद है कि ऐसा दोबारा इस घटने के बाद दोबारा ऐसा पार्टनर है कि नहीं किसी के साथ। अभी शोषण वाली जो बात है ना, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, अगर हम ना चाहेंगे तो हमारे साथ शोषण नहीं हो सकती है। अगर जो हीरोइन हो, मॉडल हो, अगर वो ना चाहें कि हमारे साथ गलत ना हो या मैं गलत ना करूं, तो उनके साथ कोई जबरदस्ती। आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज, एक नई खबर। आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज चैनल में, तो इस वक्त मौजूद है आरा में। देखिए अभी हमारे साथ भोजपुरी की मशहूर अभिनेत्री रितिका भी हमारे साथ मौजूद है। सावन का पावन महीना चल रहा है और सभी जगह सुपरहिट गानों की शूटिंग भी चल रही है। देखिए सबसे पहले समृद्धि न्यूज में आपका स्वागत है रितिका जी। थैंक यू। समृद्धि न्यूज को देखने वाले जितने भी लोग हैं उनको सबसे पहले दिल से धन्यवाद। बोलिए आप आज अभी कौन सा शूटिंग क्या चल रहा है आप लोगों का यहाँ पे? अभी तो सावन का सॉन्ग चल रहा है और जिस गेटअप में हूँ वो अभी सोनी पांडे जी का एक कजरी सॉन्ग है, उसकी तैयारी हो रही है अभी फिलहाल। आप लोग भोजपुरी में काम करते हैं, भोजपुरी में कितना आप लोग का मतलब मनोबल मतलब ये मिलता है? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है एक्चुअली। मुझे इतनी पसंद थी मुझे वर्क करना, काम करना, कि मुझे लगा कि नहीं मुझे करना है, तो मुझे बहुत पसंद है काम करना, डांस करना, एक्टिंग करना, जो भी हो वर्क मेरा मुझे बहुत अच्छा लगता है, लगन से करती हूँ मैं। भोजपुरी में आपने कदम कब से रखा? मैं 2019 से रखी हूँ। 2019 से? हाँ, 10th के एग्जाम देने के बाद मैंने डायरेक्ट इसी में कदम रखा। भोजपुरी क्यों आपने चुना? बहुत सारे मतलब इंडस्ट्री थे। हाँ है, बट ये हमसे जुड़ा है, इसमें आने के लिए ये हमसे, हमारे मिट्टी से जुड़ा है, जोड़ के रखा है, इसलिए मुझे ये ज़्यादा बेटर लगा और मुझे बहुत अच्छा लगता है। पहले कहा जाता है कि बॉलीवुड में मतलब महिलाओं का शोषण होता था, अभिनेत्रियों का शोषण होता था, लेकिन अब सुने में भोजपुरी में भी कई तरह के मतलब ऐसे मामले आते हैं। ये शोषण वाली जो बात है ना, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, अगर हम ना चाहेंगे तो हमारे साथ शोषण नहीं हो सकती है। अगर जो हीरोइन हो, मॉडल हो, अगर वो ना चाहें कि हमारे साथ गलत ना हो या मैं गलत ना करूं, तो उनके साथ कोई जबरदस्ती करेगा। अच्छा, आप शादीशुदा हैं कि मतलब? अनमैरिड हूँ। अनमैरिड हैं जी। अच्छा, एक अभी एक मामला मतलब पूरी तरह से चल रहा है SDM ज्योति मौर्य का। अच्छा। तो काफ़ी मतलब अभी सुर्खियों में बना हुआ है कि मतलब वो उनके पति जो आलोक मौर्य थे एक सफाई कर्मचारी थे, उसके बाद जो ज्योति मौर्य थी SDM थी, उसके बाद अपने पति को कहीं ना कहीं इस तरह से मतलब छोड़ देना, कहाँ तक सही है? देखिए ये तो सही नहीं है, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत से अपनी वाइफ को आगे ले गए थे, यहाँ तक कि शायद ज्योति मौर्या को जी को ऐसे करने से बहुत सारे पतियों ने अपनी वाइफ को पढ़ाना छोड़ दिए हैं। तो ये तो जाहिर सी बात गलत थी, उनको समझना, यहाँ तक कि वो मैरिड थी, ऐसा नहीं वो अनमैरिड है, बिना ऐसी फिजिकली रिलेशन में है, तो वो कुछ करे तो सही है, बट वो मैरिड होकर ऐसा गलत कदम उठाई, एक लड़कियों की बदनामी है इसमें। बाय द वे, अगर आपकी शादी हो जाती है, अगर आप एक ऊंचा मुकाम तक चले जाते हैं, तो क्या आप अपने पति को मतलब क्या उस तरह से कीजिएगा या फिर अलग से मतलब? बिल्कुल नहीं, एक तो मुझे मेरा जब पति मिला तो मेरे लिए सबसे बड़ा चीज़ होगा, क्योंकि एक ही वही होता है जो बाकियों का जीवन संवारता है, क्योंकि माँ बाप तो बड़े कर देते हैं, उसके बाद एक पति ही सहारा बनता है, तो मैं कैसे उनके साथ गलत कर सकती हूँ? ऐसा देखने में आता है, ज्योति मौर्य मान लीजिए कि SDM है, इसलिए इनका जो मामला था मतलब प्रकाश में आया, लेकिन बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो कि उजागर नहीं हो पाते हैं, ऐसा हमारे अभी समाज में ऐसी अवधारणा बनी हुई है। मैं जितनी भी सारी लड़कियां हैं, मैं जो ऐसा काम कर रही हैं, मैं सबसे पहले ये बोलूँगी कि वह ऐसा ना करें, इसमें हमारी महिलाओं की बदनामी है, और जहां तक बात है, मुझे उम्मीद है कि ऐसा दोबारा इस घटने के बाद दोबारा ऐसा कोई ना करेगा। अभी आप किसके किन के साथ काम कर चुके हैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में? किए प्रमोद जी के साथ किए हैं, गोलू गोल जी के साथ किए हैं, प्लस में सोना जी के साथ किए हैं, रवि पंडित जी के साथ किए हैं, काफ़ी लोगों के साथ, राकेश मिश्रा के साथ किए हैं। बेसिकली आप रहने वाली कहाँ की हैं? मैं रहने वाली डेरी ऑनसोन सासाराम से हूँ। सासाराम के रहने वाली? हाँ, रोहतास जिला। रोहतास जिला मतलब खास सासाराम या फिर को? डेरी ऑनसोन। डेरी ऑनसोन जी। किन के साथ काम करने में सबसे अधिक मजा आया? मिलिए तो काम ही बहुत मजा की चीज़ है, तो मैं जिसके साथ करूँ मुझे अच्छा लगता है, सबके साथ मुझे अच्छा लगता है, और हमारे अभी सिंगर है समरेश चौबे जी, जी जो कि बहुत अच्छे सिंगर हैं, मैं उनके साथ भी काम की हूँ, उनके साथ काफ़ी सॉन्ग आने वाला है, सो वो भी बहुत अच्छे कलाकार हैं।
आज कौन सा शूटिंग हो रहा है, किन के साथ शूटिंग? आज तो दीपक तिवारी जी के साथ हुआ, प्लस में और भी बहुत सारे सिंगर है, फिर सोनी पांडे जी के साथ हुआ है। गाना भी गाती हैं रितिका? गाना गाते तो फिर डांस क्यों करती? अच्छा, गाना नहीं, केवल एक्टिंग करती हैं। जाहिर सी बात है, यही मेरी फैशन है, मुझे अच्छा लगता है डांस करना, बस कोशिश करूंगी मैं गा लूं। कोशिश करिएगा, क्योंकि अक्षरा सिंह भी एक समय में गाती नहीं थी, लेकिन आज के डेट में, आज के समय में थोड़ा सा ट्राई कीजिए। कैसे, मतलब कोई गाना गा के सुनाइए थोड़ा सा। मुझे गाना आता ही नहीं है, क्या गाऊं? देखिए देखिए, कहा जाता है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वाली की कभी हार नहीं होती। ट्राई तो कर सकती हैं। हाँ, बोलिए आप कौन सी गाना? कोई भी गाना जो आपको मतलब सबसे अच्छा लगता है। मुझे सबसे अच्छा, ऐसे तो अचानक आप पूछिए तो मेरे माइंड में चलेगा नहीं, बट कोई भी गाना आप गा दो। सावन का महीना चल रहा है, कोई आधारित हो उस मुझे वाकई में नहीं याद है। सही में मुझे याद है। अच्छा, आपका कोई लाइफ पार्टनर है कि नहीं, किसी के साथ अभी आपका? अभी मुझे काम पे फोकस करना है, इसलिए मेरे लिए पहले वर्क, फिर मैं बात, जब मेरा वर्क कंप्लीट हो जाएगा, जब मेरी लेबल हो जाएगी। अभी हालांकि जिंदगी में कोई आया कि नहीं लाइफ पार्टनर? क्योंकि बहुत सारे आप देखने में एकदम काफ़ी खूबसूरत हैं, हाइट भी, हर चीज़ मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक टोटली, मतलब एक जो पर्सनैलिटी होता है एक महिला का, मतलब काफ़ी अच्छा है। तो कोई ऐसा मतलब आया है कि नहीं अभी तक? हमारे लाइफ में एक इंसान है जो मुझे यहाँ तक लाया है, वैसा नहीं है मेरे उनके साथ कोई लाइफ पार्टनर या, लेकिन उन्होंने मेरी बहुत सपोर्ट किया है, मेरे घर के तरफ से रहने वाले रोशन यादव, सिंगर रोशन यादव, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस लाइन में, और मुझे काफ़ी अच्छी बात है, एक तरफ से मैं उनको गुरु मानती हूँ, तो मैं उनको अपना सारा व्यू मैं उनको देती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लाइन में या इस काबिल समझा है, तो मैं रोशन जी को दिल से धन्यवाद बोलती हूँ। लाइफ पार्टनर अभी कोई है कि नहीं? वो तो मान लीजिए कि कहा जाता है कि हर दौड़ना चार, मतलब कर्ण, मतलब अर्जुन के पीछे दौड़ना चार का हाथ होता है, तो कहीं ना कहीं आपका लाइफ पार्टनर कोई है कि नहीं? वो तो मान लीजिए गुरु के समान हो गया। तो जैसे कि आपने बोला अर्जुन के पीछे उनका हाथ था, तो मेरे पीछे रोशन जी का हाथ था, बट ऐसे लाइफ पार्टनर वो भी तो गुरु जी थे उनके, अर्जुन के पीछे जो थे वैसे मेरे गुरु जी है। और जहाँ तक बात है लाइफ पार्टनर की, तो अभी तक कोई नहीं, लेकिन ऐसा कुछ होता तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। देखिए, अभी हमारे साथ काफ़ी खूबसूरत और अभी अभी हमारे साथ मौजूद हैं रितिका, जो कि रोहतास की हैं, डेरी अनसोन की रहने वाली हैं, और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में कई सारे लोगों के साथ ये काम कर चुके हैं। इसी तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहिए समृद्धि न्यूज के साथ।